इंजॉय नेचर देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज हम टमाटो को ग्रो करने का जो मेथड है वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो बहुत ही जो है इजी मेथड है। इससे आप इस टमाटो को अपने घर में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसको ग्रो करने के दो मेथड हैं। एक तो बहुत इजी है कि आप इसको घर में जो हम टमाटो यूज़ करते हैं उनसे भी इनको ग्रो कर सकते हैं। अगर जब आप सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो जब आपको कोई अच्छी क्वालिटी का टमाटो मिले तो आप उससे भी आप जो टमाटो है जो उसको ग्रो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप मार्केट से इसके जो सीड हैं इनको भी लेकर इनसे भी इनको ग्रो कर सकते हैं। तो इसके सीड है जो वो भी मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो कई तरह के सीड हैं जो इनके जो मिलते हैं। ये वाले जो सीड हैं मेरे पास हैं, ये एक चेरी टमाटो के सीड हैं। ये टमाटो जो हैं एक बेल की तरह होते हैं, इसका जो प्लांट होता है उसकी एक बेल होती है। और इसमें जो टमाटो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगते हैं और गुच्छे के रूप में लगते हैं। तो आप ऐसे टमाटो को भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास सीड नहीं है तो आप घर में से ही टमाटो से इनको ग्रो कर सकते हैं। ये टमाटो है जो ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो इनको ग्रो करने के जो काफ़ी इजी मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इनको ग्रो करने के लिए मैंने ये जो सॉइल ली है, इसमें मैंने गार्डन सॉइल और उसमें थोड़ा सा सैंड और वर्मी कंपोस्ट को मिक्स किया है। तो आप इसको अपने गार्डन की सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, जे उसमें भी ग्रो हो जाते हैं। तो इसको ग्रो करने का जो सबसे इजी और फर्स्ट मेथड ये है कि आप इनकी ऐसे ही स्लाइस बनाकर इनको ऐसे ही रख दें तो भी इनकी पौध हैं जो वो तैयार हो जाएगी और आप बाद में इनको निकाल कर लगा सकते हैं। आप ऐसे भी इनको रख दें तो जी ग्रो हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि आप इसके जो सीड हैं इनको निकाल लें ऐसे। जी, तो आप इनके जो सीड हैं इनको ऐसे ही जो है मिट्टी में डाल सकते हैं तो भी ये ग्रो हो जाते हैं। बस आप इनको ऐसे ही थोड़ा मिट्टी में फैला दें। तो ये भी काफ़ी आसान तरीका है। और नहीं तो आप ऐसे ही जो सीड हैं इनमें थोड़ा सा पानी डाल लें और इस पानी को जो है सॉइल में ऐसे डाल दें। जी, देखिए, तो आप ऐसे भी इनको ग्रो कर सकते हैं। तो इस साइड में मैं इनको जो है सीड वाले जो है उनको ग्रो करूँगी। तो जी देखिए, इसके सीड हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। ये चेरी टमाटो है, इनके सीड हैं जो वो ऐसे होते हैं। तो आप इनके जो सीड हैं उनको ऐसे ही मिट्टी में फैला दें। तो इसको कवर करने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी जे कोकोपीट है इसकी लेयर डाल देते हैं।
और अगर आपके पास कोको पीटना हो तो आप थोड़ा सा सैंड या जो गार्डन सॉइल होती है उसको भी इनके ऊपर डाल सकते हैं। इनको हम अच्छी तरह से थोड़ा सा दबा देते हैं नीचे। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें। तो पानी आप इसमें हमेशा स्प्रे से ही डालें, इसके ऊपर स्प्रे करें, या आप इसको किसी ट्रे में पानी भरकर इसको उसके बीच में रख दें तो भी ये पानी है जो ऊपर आ जाएगा। तो ये मेथड भी अच्छा है, लेकिन आप इसमें ऐसे ही पानी मत डालें कि ये बीज हैं जो वो इधर उधर बिखर जाए। तो आप इनको ऐसे ही कुछ दिन शेडी एरिया में रखें, लेकिन वहाँ पर थोड़ी बहुत ही मॉर्निंग की धूप आती हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा इनको दोपहर वाली धूप में ना रखें। जब इसमें प्लांट्स हैं जो वो निकल आएँ तो फिर आप इनको बाद में धूप में रख सकते हैं। जब आपकी पौन तैयार हो जाए तो आप इनको इससे निकाल कर पॉट में लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन में जगह है तो आप इनको ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इनको ग्रो करने का बहुत ही अच्छा मौसम है जो वो चल रहा है। आप इनको अक्टूबर में भी ग्रो कर सकते हैं और सितंबर में भी ग्रो कर सकते हैं, अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। अक्टूबर के बाद में आप इनको ना लगाएं तो तब इनका ग्रो करने का जो मौसम है वो ठीक नहीं होगा। फिर आप इसको बाद में जैसे फरवरी मार्च में ग्रो करें। तो ये टमाटो है जो जे वैसे साल में कभी भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी में अगर आप इसको ग्रो करेंगे तो जे ठीक से चल नहीं पाएंगे। तो अब जो बहुत ही अच्छा मौसम है टमाटो को ग्रो करने का, अब आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको ग्रो करने के बारे में जो भी मुझे जानकारी थी मैंने आपको दे दी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ।